स्पॉन्सर्ड बाय LK इंटरनेशनल स्कूल सोना शेर घाटी गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं GCP न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जल जीवन मिशन के तहत मंगलवार को विश्व जल दिवस के अवसर पर DRDA के सभागार में जल गुणवत्ता विषय पर जल स्तरीय संवाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जल शपथ के माध्यम से सभी ने पानी बचाने की शपथ ली, साथ ही इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित जागरूक करने संबंधित शपथ ली। इस अवसर पर बोलते हुए उपायुक्त शशि रंजन ने सभी से जल बचाने की अपील की। उन्होंने जल के महत्व को समझाते हुए इसका सदुपयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु हम सभी को सामूहिक रूप से जल संचयन पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। उन्होंने सभी जलशाहियों से ग्रामीण लोगों के बीच जल गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। वही उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि इस बार विश्व जल दिवस का थीम ग्राउंड अंडर वाटर के संबंध में है। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि ग्राउंड अंडर वाटर खत्म होने जा रहा है, ऐसे में हम सबको सामूहिक रूप से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने संबंधित प्रयास करना होगा ताकि भविष्य में पानी की कमी न हो। उन्होंने कहा कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, ऐसे में भविष्य के लिए हम सभी को पानी बचाने की ओर प्रयासरत रहना होगा। इसी तरह सिविल सर्जन ने जल गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं एवं खराब पानी के सेवन से होने वाली बीमारियों के विषय में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों में जल गुणवत्ता विषय पर बेहतर कार्य करने हेतु 10 जलशाहियों को शॉल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर उपरोक्त के अलावा समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता आशुतोष कुमार, जल जीवन मिशन के जिला समन्वयक अश्विनी कुमार पांडे, वाटर सप्लाई के जिला समन्वयक अवधेश कुमार सिंह, स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक धर्मेंद्र कुमार, सहायक अभियंता कनीय अभियंता समेत बड़ी संख्या में जल सहायियां उपस्थित रही। बहुत महत्वपूर्ण है, इसी करके हम लोग फ्यूचर के लिए जो है पानी को सिक्योर कर सकते हैं, और पानी के बिना जीवन नहीं है, चाहे वो कोई भी जीवन हो, पानी के बिना जीवन नहीं है, तो इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों से छोटी बड़ी जितनी भी योजनाएं हैं इसी डायरेक्शन में हो। और आखिर में मैं ये कहूंगी कि ग्रे वाटर ट्रीटमेंट पे हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है या ब्लैक वाटर ट्रीटमेंट पे ध्यान नहीं जाता है, और सिर्फ शहरों की ये समस्या नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये समस्या है कि वहां पे जो गंदा पानी निकलता है उसका मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाए, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। तो उसको रिसाइकल करना और रीयूज करने पर हमारे आगे के जो भी प्रोग्राम, आगे की जो भी योजना है वो इस पे भी फोकस्ड होनी चाहिए कि हम जो गंदा पानी है उसका मैनेजमेंट किस प्रकार करें। आगे आप लोगों का लक्ष्य ये भी होगा कि ग्रे वाटर ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जा सके। तो आज जल दिवस के अवसर पर हम लोग सभी शपथ लें कि हम आगे इस दिशा में कार्य करेंगे, और बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे जल संख्या है ये किट का यूज जरूर करें, सारे जो हमारे गाँव है जरूर उसमें शामिल हो जाए ताकि हम लोग के पास डाटाबेस रहे कि कहाँ पर पानी की क्या समस्या है, और जो भविष्य में हम लोग जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट लेंगे उसमें इन जहाँ भी समस्या रहेगी शुद्ध पेयजल की वहाँ पर इसको हम लोग सही कर सकें, वहाँ पर अलग से कुछ इक्विपमेंट या अलग से प्रोजेक्ट ले सकें। तो शुद्ध जल लेना हम लोग का उद्देश्य है, तो इसको हम लोग को पूरा करना है। तो हम लोग जो आज विश्व जल दिवस के अवसर पर हम लोग मैंने जो शपथ लिया है उसको याद रखेंगे, और जल का संरक्षण जितना भी हो सके हम लोग करेंगे, और इसमें हम लोग के स्तर से व्यक्तिगत स्तर पर जो भी हो सके हम लोग करना चाहिए। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए GCP न्यूज। नमस्कार। नीन एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।